सुंदर चलन भी सुंदर हो, रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो, रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो, देह का आचरण भी सुंदर हो, देह का आचरण भी सुंदर हो, सार्थक है उसी की सुंदरता, सार्थक है उसी की सुंदरता, जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो, जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो। कथा प्रेमी श्रद्धालुओं, आज की कथा में हम अपने व्यास मंच से आप सभी पधारे हुए श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और साथ ही साथ निवेदन भी करते हैं प्यारे कि संतों ने लिखा कि रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो। आज का मानव अपने तन को अपने शरीर को सुंदर बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, एक बार अपने मन की ओर ध्यान नहीं देता कि हमारा मन कैसा है। आज का मानव अपने शरीर को सुंदर बनाने के चक्कर में पड़ा है, जबकि संसार में बहुत प्रकार के लोग हैं, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, बहुत प्रकार के लोग हैं। कहते हैं कि शरीर तो कर्म के हिसाब से मिला, यहाँ तक कि पास पड़ोस के लोग भी कर्म के हिसाब से ही मिलते हैं। कहा कि रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो, रूप अच्छा हो, देह का आचरण भी सुंदर हो, शरीर भी सुंदर हो, लेकिन वो सुंदरता किसी काम की नहीं है। कहा सार्थक है उसी की सुंदरता जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो, सुंदरता उसकी सार्थक है कि जिसका ये अंतर मन, ये अंतर जगत सुंदर हो, बाकी नहीं तो वही हाल बिसरस भरा कनक घट जैसे, जैसे किसी सोने के घड़े में विष रखा हो, मदिरा रखी गई हो। कहते हैं कि आज का मानव अपने शरीर को सुंदर बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, अपने मन की ओर ध्यान नहीं देता, जबकि परमात्मा के दृष्टिकोण में व्यक्ति की प्रधानता नहीं है, उसके अंदर व्यक्तित्व कितना है इस चीज की प्रधानता है। परमात्मा की दृष्टि में मानव की प्रधानता नहीं है, उस मानव के अंदर मानवता कितनी है इस चीज की प्रधानता है, ध्यान रखना। कहते हैं कि आज का मानव परमात्मा ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा, क्या करने के लिए भेजा? ये मानव जलचर भी बन गया और नभचर भी बन गया। जैसे जल में रहना सीख लिया, लोग जल समाधि लगाते हैं। कहते हैं कि आज का मानव जलचर भी बन गया और नभचर भी बन गया, आकाश में उड़ने लगा, मंगल ग्रह की खोज करने लगा, चंद्रमा की खोज करने लगा, जलचर भी बन गया और नभचर भी बन गया, लेकिन जिस काम के लिए परमात्मा ने इस धराधाम पर भेजा वो काम नहीं कर पाया। आज के मानव को मानव बन करके पृथ्वी पर रहने नहीं आया। उदाहरण में क्या किसी कुत्ते से कभी कहना पड़ता है कि कुत्ते जैसा काम करो? क्या किसी कुत्ते से कहना पड़ता है कि कुत्ते जैसा काम करो? नहीं। क्या कभी किसी बिल्ली से कहना पड़ता है कि बिल्ली जैसा काम करो? नहीं। किसी गाय से कहना पड़ता है कि गाय के जैसा काम करो? नहीं। लेकिन ये मानव ऐसा है कि इसे प्रतिदिन कहना पड़ता है कि भैया थोड़ी मानवता सीख लो, थोड़ा सा मानव बन जाओ। परमात्मा अपने शब्दों में कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। कहते हैं जिसका मन निर्मल होगा वही मुझे पा सकता है, जिसका मन निर्मल नहीं होगा वो मुझे पा नहीं सकता। साधक ने पूछा कि पता कैसे चलेगा कि मन निर्मल है या नहीं निर्मल है? तो कहते हैं कि मोहि कपट छल चित्र न भावा, मुझे छल कपट ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं पसंद नहीं है। तो इसका मतलब साधारण है कि अगर आपके मन से छल कपट ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं निकल गई तो सोचना कि आपका मन निर्मल हो गया,
और आप बार बार प्रयास करते हो। अगर हृदय से छल कपट ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं नहीं निकल रही हैं, तो उसी परमात्मा से निवेदन किया जाए कि हे प्रभु, कि ज्ञान दे सत्य का पता। आपने हमें मानव बना करके भेजा पृथ्वी पर, तो आपसे एक निवेदन है कि ज्ञान दे सत्य का पता भी दे, सील दे और सभ्यता भी दे, और दे दे जिसको मनुष्य की काया। सभी मानव बैठे हैं ना, तो संत कहते हैं कि दे दे जिसको मनुष्य की काया, हे प्रभु उसको ईश्वर मनुष्यता भी दे, उसको ईश्वर मनुष्यता भी दे। कहते हैं कि उसी परमात्मा से निवेदन करो। आपने मानव बना करके भेजा तो ज्ञान दे सत्य का पता भी दे, थोड़ा सा ज्ञान दे दो, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या उचित है क्या अनुचित है, इसे समझ सको ऐसी बुद्धि प्रदान करो। सील दे और सभ्यता भी दे। सभ्यता चाहिए, सील चाहिए, संकोच चाहिए, और प्रभु मानव बना करके भेज दिया तो थोड़ी सी मानवता भी हमें दे दो। कहते हैं कि भगवान ने तो साफ साफ कह दिया कि मन निर्मल होगा तभी आना, तो मन निर्मल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहा भक्ति के शरण में जाओ। जब आप भक्ति के शरण में जाओगे तब आपका मन निर्मल होगा। कहते हैं ताके जुगपद कमल मनामो और जासु कृपा निर्मल मति पामो। जब जीवन में आदिशक्ति मैया भक्ति की कृपा हो जाएगी, तब उनकी कृपा से ये बुद्धि ये मति निर्मल हो जाएगी, तो मन निर्मल हो जाएगा, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। लेकिन हम आप अपने शरीर को अपने तन को सुंदर बनाने के चक्कर में पड़े, अपने मन की ओर ध्यान नहीं दे पाते हमारा मन कैसा है। और जब अपने मन से हमारा जब मन शुद्ध होगा, मन सात्विक होगा, भावना सात्विक होगी, तब जीवन में उस परम पिता परमेश्वर की कृपा होगी। लोग कहते हैं कि हम कुछ भी करें भगवान हम पर दया नहीं करते, लेकिन कहते हैं कि दया का उल्टा क्या होता है? दया का उल्टा होता है याद। आप इधर से याद करो तो वो उधर से दया जरूर करेंगे, पर आप उन्हें याद तो करते नहीं और दया की उम्मीद करते हो। कहते हैं कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। वो पार्वण परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि मैं अपने भक्तों की रक्षा ठीक उस प्रकार करता हूँ। किस प्रकार? कि करूं सदा तिन्हें की रखा, तिन्हें की रखवारी करूं सदा, तिन्हें की रखवारी करूं सदा, तिन्हें की रखवारी जिमे बालक राख सरकार की। परमात्मा कहते हैं कि करूं सदा तिनकी रखवारी और जिमे बालक राखई महतारी। मैं अपने भक्तों की रक्षा ठीक उस प्रकार करता हूं जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की सुरक्षा करती है। एक बार हमारे ऊपर भरोसा करके तो देखो, एक बार हम पर अटूट विश्वास करके तो देखो, पर हम आप जगत के पीछे भागते हैं जगदीश को छोड़ करके। और जब तक इस जगत से आसरा करेंगे तब तक जगदीश की कृपा नहीं होगी। एक बार अपना सर्वस्व उस परमात्मा के हाथ में छोड़ करके देखो, फिर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कृपा तो जरूर होगी। क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान के घर धीर है अंधेरे नहीं, जैसा कर्म किया है उसका फल भोगना है हमको आपको। इसलिए कुछ ऐसा प्रयास करें कि ऐसा कर्म करें, पाप कर्म ना करके सत्कर्म करें, क्योंकि हमेशा कैमरे की नजर में है। कहीं भी जाएं भगवान का कैमरा पीछे पीछे चल रहा है, कुछ भी करेंगे भगवान का कैमरा हमें देख रहा है। तो सत्कर्म करें जिससे जीवन में परमात्मा की कृपा होती रहे।
हमारा आपका धर्म है उस परम पिता परमेश्वर से निष्काम प्रेम करना, निष्काम भक्ति करना, सकाम नहीं, निष्काम भक्ति करना। जब निष्काम भक्ति करेंगे तो हमको आपको जीवन में जिस चीज की आवश्यकता होगी वो सारी चीजें हमको आपको मिलेंगी। और दूसरी बात, कहते हैं कि प्रेम को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, प्रेम को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे संसार में एक माँ है जो अपने बच्चे को सबसे अधिक प्रेम करती है, सबसे अधिक प्रेम एक माँ अपने बच्चे से करती है, लेकिन वो जीवन में कभी कहती नहीं है कि मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। क्या कभी कहती है? नहीं, लेकिन सबसे अधिक प्रेम माँ करती है। तो कहते हैं कि प्रेम को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, बस इसको आप, जिसने भी परमात्मा से प्रेम किया उसको अच्छे फल की प्राप्ति हुई। संतों ने कहा कि भगवान से कोई ना कोई रिश्ता बना लेना चाहिए। जैसे मीरा ने कन्हैया को पति मान लिया, द्रौपदी ने भाई मान लिया। कहते हैं कि कुछ भी करो, भगवान से एक रिश्ता बना लो, परमात्मा से एक रिश्ता जोड़ लो और उस रिश्ते के हिसाब से काम करो। कोई पुत्र मानता है, कोई पति मानता है, कोई मित्र मानता है, जिसकी जैसी भावना है उसने अपनी अपनी भावना के अनुसार कन्हैया से रिश्ता जोड़ लिया। ध्यान रखना, बड़ा प्रचलित प्रसंग है, लगभग सभी लोग सुने होंगे। आप सभी जानते होंगे भागवत जी के प्रसंग में शिशुपाल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना है ना? शिशुपाल का नाम सबने सुना है। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो विद्वानों ने कहा कि कन्हैया के हाथों इनकी मृत्यु होगी। शिशुपाल की मां ने कन्हैया से बहुत निवेदन किया कि महाराज आप तो समझदार हो, मेरा बेटा जो भी गलती करेगा माफ कर देना। कृष्ण भगवान ने कहा चलो ठीक है, ऐसा करते हैं कि 100 गलती माफ कर देंगे और जिस दिन 101 हुआ उस दिन इनका वध कर देंगे। अब ऐसे एक दिन की बात है, सभा लगी थी, चर्चा चल रही थी, कृष्ण भगवान की जय जयकार हो रही है, कृष्ण भगवान की लोग प्रशंसा कर रहे हैं और शिशुपाल से देखा नहीं गया तो गाली देना शुरू कर दिया। हम ज्यादा विस्तार में नहीं बोलेंगे, बस हमारे कथा का भाव आप तक पहुंचे। शिशुपाल से देखा नहीं गया तो गाली देना प्रारंभ कर दिया। धीरे 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 करके 100 पूरे हो गए। कृष्ण भगवान ने इंडिकेट कर दिया कि अब 100 हो गए हैं, 101 होगा तो फिर छोड़ूंगा नहीं। जो ही 101 हुआ अपने चक्र सुदर्शन को प्रेरित करते हैं और चक्र सुदर्शन के द्वारा शिशुपाल का गला काट दिया। तो हुआ क्या कि कृष्ण गाली देना प्रारंभ कर दिया, 100 पूरे हुए। जो ही 101 हुआ तो कृष्ण भगवान अपने चक्र सुदर्शन को प्रेरित करते हैं, चक्र सुदर्शन के द्वारा शिशुपाल का गला काट दिया। अब चक्र सुदर्शन को प्रेरित जब कृष्ण भगवान ने किया तो उनकी उंगली कट गई, खून निकलने लगा। तो होता क्या है, सभा में सारे लोग विराजमान थे, कृष्ण कन्हैया की जितनी रानियां हैं, पटरानियां हैं, द्रौपदी हैं, पांचों पांडव हैं, सब के सब सभा में विराजमान है। हुआ क्या, कवि लिखता है कि रक्त देखी जदुबीर के रानी सब उठ धाई और बांधन को पट खोजती पटरानी। कृष्ण भगवान की उंगली कटी, खून निकलने लगा तो जितने सब के सब परेशान हो गए कि अब क्या करें क्या करें। जितने रानियां हैं पटरानियां हैं सब की सब दौड़ पड़ी, कोई कपड़ा खोजे बांधे उंगली पर। तब तक हुआ क्या, सभा में द्रौपदी भी विराजमान है कि तब लगी देवी द्रौपदी ने देखे जदुबी उंगली बांधन को तुरत चीर्यो अपनो चीर। द्रौपदी ने देखा तो वो कहीं कोई वस्त्र खोजने, कोई कपड़ा खोजने नहीं गई बल्कि अपने साड़ी को फाड़ दिया और ले जाकर के कृष्ण कन्हैया के उंगलियों पर पट्टी बांध दिया। कन्हैया ने कहा अरे द्रौपदी,
बस थोड़ी सी उंगली कटी है और इस थोड़े से खून को रोकने के लिए तुमने अपनी इतनी कीमती रेशम की साड़ी फाड़ दी, ऐसा भी क्या आवश्यक था। तो द्रौपदी कहते हैं कन्हैया कि प्यारे घनश्याम यदि काम लावे आपकी तो काढ़ दू नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं और धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे, ना दुल्हने के जोड़े हैं ना दुल्हा के पागे हैं। द्रौपदी ने कहा कन्हैया अगर आपको आवश्यकता पड़े ना तो मैं अपने नसों को निकाल करके दे दूं, ये तो बस साधारण से धागे हैं, इसकी कोई कीमत नहीं है और ये कोई विशेष भी नहीं, ना ही कोई किसी दुल्हन का जोड़ा है ना ही किसी दूल्हे का पगिया है, कुछ विशेष नहीं है। और इतना ही नहीं कि वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, और भाग उन्हीं के जागे हैं जो तेरी उंगली पे लागे हैं। द्रौपदी ने कहा कि जो धागे पीछे रह गए वो अभागे हैं, जो आपकी उंगली पर लग गए ना समझिए कि आज उनका बड़ा भाग्य जाग गया है। कृष्ण कन्हैया ने कहा बहन आज तूने इस छोटे से काम के लिए अपनी इतनी कीमती साड़ी को फाड़ दिया, तो ध्यान रखना जीवन में कभी अगर समय आएगा ना तो इसका बदला मैं जरूर पूरा करूंगा। आज बहन ने भाई के लिए अपने कर्तव्य का पालन किया, रानी पटरानी जो भी हैं वो सब वस्त्र खोजने में ही लगी हैं, लेकिन बहन ने अपना काम कर दिया तो कृष्ण कन्हैया ने भी वचन दे दिया। और जब वो समय आया द्रौपदी भरी सभा में खड़ी है, दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दे दिया कि द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दो। वो समय द्रौपदी के जीवन में आया तो जब तक द्रौपदी के मन में था कि हो सकता है कि मेरे पांचों पतियों में से कोई उठ जाए, हो सकता है पितामह उठ जाए, हो सकता है मैया बोल दे, तब तक तो भगवान की कृपा नहीं हुई। होता क्या है सभा में दुर्योधन कहता है कि खींचे दुशासन जोरे लगाई के, खींचे लगाई के। दुर्योधन ने आदेश दे दिया, दुर्योधन और दुशासन साड़ी खींचने लगा। अब द्रौपदी के मन में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण कन्हैया घूमने लगे कि मेरी रक्षा अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मेरा भाई कर सकता है और कोई इस संसार में मेरा अपना नहीं है, क्योंकि ना पांचों पांडव उठे, ना भीष्म पितामह कुछ बोले, ना कुलगुरु बोले, ना किसी मैया ने कुछ कहा, सबके सब शांत हैं। अब द्रौपदी को सिर्फ एक बिहारी जी का आसरा है। द्रौपदी कहती है कि खींचे दुशासन जोरे लगाई के, और तेरे हमारी जो सुनी पई है, और बाबे सहवास विपत्ति पड़े पर मोहन ना हम के बिसरई है। द्रौपदी कहती है कि दुशासन जितना दम है जोर लगा करके सारी को खींच लो, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर मेरा भाई सुन लिया तो वो जरूर आएगा। और देर लगी ना अबेर लगी, अबिर ना हिर ना अस धावल आई है, और भौजी के गोदी में हुई है तब विश्वास हमें हरी ना ही भूलई है, और भौजी के गोदी में हुई है तब विश्वास हमें हरी ना ही भूलई है। द्रौपदी कहती है कि मेरा विश्वास है कि मेरा भाई सुनेगा, वो जरूर आएगा। मन से पुकारती है पर कन्हैया नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में अभी है कि हो सकता है कि पांडव उठ जाएं, हो सकता है भीष्म पितामह बोल दे, पर जब कोई नहीं बोला तो अब सिर्फ कृष्ण भगवान से निवेदन करती है कि हे कन्हैया हर किसी का आसरा छोड़ करके अब बस मैं तुम्हें पुकार रही हूँ। और कहती है कि हे केशव कि गाढ़े में जो बिसरई बाहरी तब जातो है से हम बोलब नाही,
अब एक बहन का कर्तव्य निभाया कि अगर आज नहीं आओगे तो जीवन में मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगी। आज मेरे ऊपर ऐसी विपत्ति पड़ी है और तुम पता नहीं कहाँ छुप करके बैठे हो कि गाढ़े में जो बिसरई बाहरी तब जातो है से हम बोलब नाही और तू बहिनी बहिनी कहबा पर नाता कबो हम जोड़ब नाही और सावन में तुहे बाधे बदे जरई कबो ताल में बोरब नाही और पूसम जो खिचड़ी लेके अईबा भले सरी जाई मैं खोलब नाही पूस में जो खिचड़ी लेके अईबा भले सरी जाई मैं खोलब नाही। द्रौपदी कहती है कन्हैया अगर आज नहीं आए ना तो फिर जीवन में मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगी, अपना संबंध तुमसे खत्म कर लूंगी, जीवन में कभी तेरी कलाई पे मैं रक्षा बंधन नहीं बांधूंगी और अगर खिचड़ी लेकर के आओगे ना तो मैं कभी उसको स्वीकार नहीं करूंगी। अब हुआ क्या, द्वारिकाधीश कह करके पुकारा तो भगवान को द्वारिका से चल करके जाना है। जो ही भगवान को खबर हुई तो कृष्ण कन्हैया बढ़ चले आगे। आज स्थिति क्या है, आगे आगे भगवान का पीताम्बर भागा। पीताम्बर ने सोचा कि वहां मेरा काम है, लाज रक्षा करनी है तो पहले मुझे पहुंचना है, कृष्ण भले बाद में जाए पहले मुझे जाना आवश्यक है। आगे आगे पीताम्बर भागा। कवि लिखता है कि आगे से चीर बढ़े न भमा वक्रे पीछे वा दौड़े ल मुरारी। आगे आगे पीताम्बर, पीछे पीछे कृष्ण कन्हैया। और उसके बाद क्या हुआ कि आज कन्हैया भगीरथना उनके के ना छुपो ले उरगारी। उरगारी माने गरुड़ जी। आज कृष्ण भगवान ने गरुड़ जी से नहीं कहा कि हमें पहुंचा दो द्रौपदी के पास। आज कृष्ण भगवान पैदल भागे हैं, आगे आगे पीताम्बर, पीछे पीछे कृष्ण भगवान, उनके पीछे गरुड़ जी। आज गरुड़ जी से भी तेज भगवान चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक बहन ने पुकारा है जो सच्चा प्रेम करती है। ये प्रेम की प्रधानता है। कृष्ण भगवान भागे और आज आकाश की क्या स्थिति है कि तीन विमान उड़े न भमा। आज तीन विमान उड़ रहे हैं कि तीन विमान उड़े न भमा अगवा के बढ़े इहे होड़ लगारी और आई सभा में आकाश से कान है बढ़ावन लागे है छोरी से सारी। कृष्ण कन्हैया इतना भागे और सभा में आकर के एक छोर से सारी बढ़ाने लगे। दुशासन सारी खींचते खींचते थक गया, सोचा कि भाई साड़ियों का कितना भंडार लग गया। स्थिति क्या हुई कि द्रौपदी की लाज रक्षा होती है, साड़ी घट नहीं रही है तो दुर्योधन कहता है कि सारी घटे ना तो बोला दुर्योधन कि खींच दुशासन जोर लगा दे। दुर्योधन ने कहा दुशासन जोर लगा के खींचो साड़ी खत्म क्यों नहीं हो रही है कि सारी घटे ना तो बोला दुर्योधन खींच दुशासन जोर लगा दे और सुनी के द्रौपदी हंसी बोली तू अब जोर लगा सह जा दे। द्रौपदी ने कहा कि दुशासन के खींचने से साड़ी खत्म नहीं होगी, तू भी आ जा। स्थिति क्या हुई कि लाज रक्षा हो जाती है। द्रौपदी तो प्रसन्न हो गई अपने भाई को देख करके, लेकिन कृष्ण कन्हैया से बोली नहीं, गुस्सा हो गई कि भाई तूने देर कर दिया। अब कृष्ण भगवान द्रौपदी को मनाने के लिए कहते हैं कि आके कन्हैया कहे बहिना काहे बोलत नहीं खे को हाइल बाड़ी। मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, गुस्सा क्यों हो, देखो मैं तो आ गया, तेरी लाज रक्षा हो गई। द्रौपदी आंखों को खोल देख तो सही कि आके कन्हैया कहे बहिना
काहे बोलत नइखे कोहाइल बाड़ी और राही में ना पनियो पियली तनी देख हमें की घमाइल वानी। तूने बुलाया और मैं चला आया, रास्ते में रुक करके कहीं पानी भी नहीं पिया, देखो मुझे धूप लग गई। पुनः कहते हैं कि द्रौपदी कि बाहन बा अब ही मोरे पाछे मो पैदल धावत आवत बानी और द्वारिका धीस के ते बहिना लुगरी बद काहे को हाइल बाड़ी। मेरा वाहन गरुड़ जे भी पीछे ही है और मैं पैदल आ गया तेरी लाज रक्षा के लिए। तू द्वारिका धीस की बहन है और साड़ी के लिए नाराज है। अरे साड़ी की क्या बात है, मैं तो पूरा भंडार ला करके तुझे दे दूं। स्थिति क्या होती है, पुनः कृष्ण कन्हैया कहते हैं द्रौपदी कि खींचे दे सारी मैं देखत बानी। दुशासन को सारी खींचने दो, मैं भी सभा में खड़ा होकर के देख रहा हूँ। कि खींचे दे साड़ी मो देखत बानी यहाँ पर के बलवान बढ़ावा कि बहनी के गुहारी में भाई भी आज और आके सभा बिचवा में खड़ावा। आज बहन के बुलाने पर उसका भाई आकर के सभा के मध्य खड़ा है। मैं भी देखता हूँ यहाँ पर मुझसे ज्यादा बलशाली कौन है। और द्रौपदी तुम्हें याद है ना कि फारी के तू बनली सरीरा अंगुरी में अब ही निशान पड़ावा और सूद में ढाका बलाज तोहारे और मूल तोहार पड़ा का पड़ावा सूद में ढाका बलाज तोहारे और मूल तोहार पड़ा का पड़ावा। कृष्ण कन्हैया कहते हैं द्रौपदी तुम्हें याद है ना कि मेरी थोड़ी सी उंगली कटी थी और तूने अपने रेशमी साड़ी को फाड़ करके मेरी उंगली पर बांधा था। तो ध्यान रखना वो तो मैंने सूद में तेरे लाज की रक्षा कर दी, अभी तुम्हारा मूल तो पड़ा हुआ है। तो कहते हैं कि आप जैसा कर्म करोगे ना आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। आज द्रौपदी ने बस थोड़ा सा कृष्ण भगवान की उंगली कटी और उसके लिए अपनी साड़ी को फाड़ करके कन्हैया की उंगली पर बांध दिया जिससे वो खून रुक गया। तो आज कृष्ण कन्हैया ने भी अपने कर्तव्य का पालन किया। तो कहते हैं आप निष्काम प्रेम करो, सच्ची भक्ति हो हृदय में। द्रौपदी ने कृष्ण कन्हैया को अपना भाई मान लिया। जनकपुर की जितनी सखियां हैं सबने अपना मित्र मान लिया। जनक जी ने राम जी को देखा तो सोचा कि इनसे कुछ ना कुछ रिश्ता बनाना आवश्यक है। सोचा क्या रिश्ता बनाऊं। दशरथ जी से थोड़ी सी मीठी सी ईर्ष्या हुई कि दशरथ ने ऐसा कौन सा कर्म कर लिया कि भगवान उनके यहाँ बेटा बन करके पधारे। ऐसा कौन